सर पहली बात तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आपको सामने से देख रहा हूँ, लग रहा कोई मूवी सी चल रही, उसमें बीच में जाके ऐसे फेंक दिया गया। हमेशा सर को क्लास में ही देखा था। तो मैंने एक्चुअली अपनी जर्नी 2021 में स्टार्ट करी थी, आपका बैच आया था क्वांटम 4.0, तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो पहले मैथ से तो ऐसा लगता था कि ये क्या DI क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन सर आपने फिर बताया तो समझ में नहीं आ रहा था ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने अपना जो पहला एग्ज़ाम दिया तो मैंने आपका सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था, तो उसका प्री तो IBPS PO का क्लियर हो गया था एंड उसका मेंस भी क्लियर हो गया, बट उसके बाद इंटरव्यू के बाद 0.7 से सिलेक्शन नहीं हो पाया सर। तो मैंने उस टाइम अपने आप से एक कमिटमेंट करी थी कि वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। सर आप जो है हमेशा आपने हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम किया है हमारे लिए। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी कि अब की बार सारे एग्ज़ाम ही क्लियर करूँगा। तो उसके बाद सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था RRB क्लर्क का, तो उसका जब रिज़ल्ट आया जो प्री के रिज़ल्ट में, क्योंकि मार्क्स तो पहले आते नहीं, यही लिख के आता कांग्रेचुलेशन या थैंक यू, तो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी। उसके बाद मैंने जब रिज़ल्ट खोला मुझे लगा आपकी तो कांग्रेचुलेशन आने ही चाहिए, 80 out of 80 किए थे, उसमें थैंक यू लिख के आ गया। तो तो मुझे लगा कि ऐसा थैंक यू, इकलौता थैंक यू जो अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा कि ये हुआ क्या है। पहले तो मैं 5-10 मिनट तो शौक में ही रहा कि पता नहीं मैंने ऐसा तो नहीं क्या क्या ही तैयारी कर डाली। फिर उसके बाद जब 2-3 दिन बाद उसके मार्क्स आए तो मैंने देखा मैथ्स में 40 out of 40 थे एंड रीजनिंग में शायद एक पजल गलत हो गई थी, बट उसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है तो इस वजह से नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद जब RRB PO का प्री का रिजल्ट आया वो क्लियर हो गया, तब अंदर से जो कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं मचाया है सर, आपने कहता ना कि मचा देना मचा। फिर उसके बाद से सर जितने ही SBI PO तो अटेम्प्ट नहीं दे पाया क्योंकि एज नहीं थी, उस वजह से डाल नहीं पाया था। तो उसके बाद IBPS PO वो क्लियर किया और बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनल ऑफिसर सिलेक्शन लिया एंड यूको बैंक में क्लर्क में सिलेक्शन लिया। सर आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम किया, आपकी जो बुक्स वगैरह एंड आपके जो कोट्स थे सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैं ऐसे उम्मीद ही नहीं कर पा रहा था कि आपसे कभी मिल पाऊंगा या देख पाऊंगा, कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं था सर। बहुत बहुत सर थैंक यू। सबको बताओ सर एक बार, एक से गले से मिले। अरे सबको एक बार बताओ, डिस्ट्रैक्शन थी कोई? डिस्ट्रैक्शन कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है सर, बस आप ही देख। क्यों बता दो अपने ही है सब। क्या सर डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं? डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? फोकस ही एक है। आप चेंज कर दो फोकस। ठीक है ठीक है।